सुना है कि YouTube से तो है ही और आप Facebook से भी काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी जरा ऑडियंस को बताइए ताकि उससे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है, YouTube हमारा अन्नदाता है, माई बाप है, मैं माई बाप मानता हूँ YouTube को, क्योंकि बिल्कुल जिस काम से हम मेरा और मेरे बच्चों का और पेट पलता है, पढ़ाई लिखाई होती है, तो वो माई बाप होता है। लेकिन बात करें अर्निंग की, तो ये सीक्रेट है और आज मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या है ना, ये सोचते हैं YouTube ही पैसा देता है, ठीक है, लेकिन YouTube से ज्यादा ये हकीकत है आज के टाइम में Facebook पर अर्निंग हो रही है, बिल्कुल हकीकत बात है, और उससे दुगना पैसा कमा रहे हैं लोग बाग Facebook पे। मतलब एक इंस्पिरेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब कितनी अर्निंग लगभग हो जाती है मेरी? जी सर, देखिए सर, अर्निंग की अगर बात करें तो अभी तीन YouTube पे क्या, Facebook पे क्या है ना, वीडियो वायरल जो होती है उसके डिपेंड अर्निंग बढ़ती घटती रहती है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने अभी चार, जब ये दिवाली का सीजन था, 5 लाख रुपए महीना भी अर्निंग आई है दोनों से। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में कुछ सुविधाएं नहीं है, हम करें तो क्या करें, पैसे कैसे कमाएं। लेकिन दोस्तों, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं और यूपी के बहुत ही छोटे से गांव से किसान हैं और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं विकास चौधरी जी आपके हमारे इंटरव्यू में, और सबसे पहले आप ऑडियंस को एक छोटा सा अपना इंट्रो दे दीजिए, फिर आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नित्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया। अब बात करते हैं, मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो नित्या जी, मैं एक वाकई बहुत छोटे से गांव से, जिला जो मुजफ्फरनगर है उसका एक छोटा सा गांव है गढ़वाड़ा, ठीक है जी, छोटे से मतलब यहाँ पर बस ज्यादा आबादी भी नहीं है, 700-800 लोगों की आबादी है। मेरा नाम विकास चौधरी है, मैं किसानों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। आज की डेट में मेरे दो फेमस चैनल हैं, पहले का नाम है फेवरेट फार्मिंग और जो दूसरा चैनल है वो है मेरा विकास चौधरी करके, ठीक है जी। जी, तो विकास जी, सबसे पहले तो जब आपने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज, अब मैंने आपका देखा तो मैंने चैनल आपका चेक किया और मुझे देख के ये काफी ज्यादा अच्छा लगा कि पहले तो आप गांव से बिलोंग करते हैं और लगभग आपकी एज 30+ है और इस समय आदमी ये सोचता है कि भाई हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है, हम पैसे आखिर कमाए तो कमाए। और आपकी सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आप गांव से तो बिलोंग करते ही हैं, आपने गांव का ही इस्तेमाल करके और आज आपने लाखों सब्सक्राइबर अपने चैनल पे बनाए हैं और आज काफी अच्छा खासा पैसा आप यूट्यूब से कमा रहे हैं। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए जो आज YouTube पे आना चाहते हैं या जो YouTube पे जिन्होंने चैनल बनाया है, जो भी हमारी ऑडियंस हैं, सभी के इंस्पिरेशन के लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहले विकास जी, बात करते हैं कि ये आपको शुरुआत में कैसे आइडिया है, जैसा कि मैंने देखा कि आपका चैनल विकास चौधरी जो है जिसपे लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर है, 3 लाख+ सब्सक्राइबर है, तो उसको मैंने देखा कि 2018 में आपने वो चैनल बनाया था। तो सर, आपको मतलब कहां से इंस्पिरेशन आया, मतलब कहां से ऐसा लगा कि मुझे YouTube पे वीडियो बनानी चाहिए, फिर ये आइडिया कैसे आया कि मैं गांव में रह रहा हूं तो गांव के लोगों की भलाई के लिए ही मैं वीडियो बनाऊं और गांव में ही पैसा कमाऊं। ये एक बहुत अच्छी बात होती है सर कि हम अपने घर अपने परिवार के साथ रहकर और लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम सभी देखते आ रहे हैं कि 10,000-12,000 रुपए कमाने के लिए हमें कहां दूर दूर फैक्ट्रियों में जाना पड़ता है, शहरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो हम घर पे रह के पैसे कमा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो सर, कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई, जरा हमारी ऑडियंस को बताइए। नित्या जी, मैं अपनी ये YouTube की जर्नी सुनाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि आपका YouTube चैनल है, ज्यादातर मोस्टली जो आपके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं। हमारे घर पे भी, मेरे पास भी ऐसे दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको क्या है ना, हम बिल्कुल ईमानदारी से बात करते हैं, कोई अपनी वीडियो या स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी निकल रहा है सीधे सच है और दिल से निकल रहा है, ठीक है सर? बिल्कुल। तो पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, YouTube कोई हलवा नहीं है, ठीक है? सही बात। कुछ लोग ये सोचते हैं, जो हमारे युवा हैं, युवा किसान हैं, सब्सक्राइबर हैं, कि ये विकास भाई क्या करता है या नित्या भाई क्या करता है, कैमरे के सामने खोल के कैमरा बैठ जाता है और ये तो बस वीडियो बना देते हैं और बस पैसे आ जाते हैं, बिल्कुल आसान उन लोगों को लगता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको पहले बिल्कुल सच बताऊं, YouTube बिल्कुल भी हलवा नहीं है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और सक्सेस यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपके सपने में भी ना YouTube की वीडियो और YouTube आना चाहिए,
ठीक है, दूसरी बात आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, तीसरी बात जैसा कि आपने पूछा किसानों का ही चैनल क्यों बनाया, मुझे नित्या जी किसान में मतलब किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, छोटे छोटे थे अपने खेतों में जाते थे, इस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है। आज भी हम बादल देख के ये बता देते हैं नित्या जी ये बारिश वाला बादल है या हवा वाला बादल है, बारिश आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल सर, ये किसान की तो यही पहचान है। हाँ, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो आपके सब्सक्राइबरों को मैं ये कहना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले अगर आप में मतलब कोई ये क्या बोलते हैं उसको पैसे कमाना चाहते हैं, हाँ वो मतलब क्या है मतलब भाई हमारा जो ये है नित्या जी मेरा तो किसानी का है आपके, हाँ अपने टैलेंट को खोजें आप में क्या टैलेंट है, अगर अपने अंदर झांके, हाँ अगर अपने अंदर झांके आप में क्या टैलेंट है, ऐसा नहीं कि नित्या जी की वीडियो देख के विकास चौधरी घर की वीडियो बना रहा है, किसान की वीडियो बना रहा है, उस पर कॉपी धनाधन कर दी, उससे आपका फायदा ना होगा हमारा फायदा होगा। क्योंकि देखिए मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ नित्या जी, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हमें थोड़ा बीट कर लेंगे, हमारे जैसी क्वालिटी कैसे दे पाएंगे जी जी, ठीक है। तो ये बात है, मैं बात करता हूँ हम, मैं YouTube पर कैसे आया, तो कैसे मैं 2015 में अहमदाबाद में जॉब करता था, मेरी जो सैलरी थी वो 5,000 रुपये महीना थी सर, ठीक है। कोई हम राजा महाराजाओं वाली फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कुछ है अपने दम पे है, अपनी मेहनत से है। तो वहां पर क्या होता, मेरी नाइट ड्यूटी थी, 12 घंटे जॉब करता था, तो नाइट में जब टाइम मिलता था तो थोड़ा सा लंच टाइम मिलता था, डिनर टाइम मिलता था, चाय का टाइम मिलता था, तो मुझे पहले से ही आदत है कुछ नया सीखने की लगन है। तो एक दिन मैंने यूट्यूब पर, उस टाइम क्या है ना जियो भी नहीं था, नेट बहुत महंगा आता था, तो मुझे 2015 में तो सर 100 रुपए में हम 1 GB करते थे, उसमें भी सर्फिंग वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं चलती थी, बफरिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो नित्या जी उस टाइम क्या था, तो मुझे HR वालों का जो स्टाफ लोग होते हैं वहां का वाईफाई हाथ लग गया मेरे पासवर्ड, तो पासवर्ड जी तो ऐसा लग गया मतलब हमें मतलब कोई सोना या चांदी मिल गया हो जी जी। हाँ, तो नेट मतलब काफी मात्रा में अनलिमिटेड नेट था, तो रात को हम वीडियो देख रहा था एक बार, हाँ तो ऐसे ही मतलब ज्यादातर क्या होता था लोगों को यही पता है, बल्कि अभी तक भी 20% लोगों को ये पता है यूट्यूब पर गाने की वीडियो इधर उधर की वीडियो देखने के लिए लोग बाग आते हैं। सही बात, ठीक है। तो नित्या जी मैंने उस पे जैसे मैं भी गाने की वीडियो देख रहा था ऐसे ही इधर उधर की कॉमेडी वगैरह, तो टेक्निकल गुरुजी की पहले वीडियो आई, उन्होंने अच्छा, जो थंबनेल अच्छा। था ना, थंबनेल के पीछे वो गाड़ी कौन सी थी पता नहीं, लैम्बोर्गिनी थी या फरारी थी, कुछ ऐसी टाइप की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने उस पे लिखा हुआ था यूट्यूब से कमाए करोड़ों रुपया, और पीछे लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। मैंने सोचा यार ये बंदा फेंक रहा है, यूट्यूब से कमाई कहाँ होती है, इसमें तो गाने सुनने आते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मैंने उंगली, स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, तो मैंने उसको देखा, थोड़ी 1 मिनट की वीडियो देखी, मैंने सोचा ये पक्का झूठ बोल रहा है टेक्निकल गुरुजी, तो वो वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी। अगले दिन मैं जब घर पे गया ड्यूटी करके सुबह, तो मुझे पता लगा, ये बात है 2016-17 की बीच की, तो मुझे पता लगा उस टाइम क्या है ना, यूट्यूब पर ये मीटअप का बहुत बड़ा दौर था, तो यूट्यूब टेक्निकल गुरुजी का चैनल था, तो ये मीटअप इतना करते थे, तो मुझे पता चला, अखबार में पढ़ रहा था कि ये गौरव भाई अहमदाबाद में मीटअप करने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। अच्छा, तो वो अच्छा। मेरे दिमाग में फिर थोड़ी सी कसक हुई, मैं यार कुछ ना कुछ तो है, तो इनके मीटअप में चलते हैं। मैं मीटअप में गया, वो मीटअप मणिनगर में मीटअप था, मेरे आज भी ध्यान है। तो टेक्निकल गुरुजी ने जब फेस टू फेस बोला, भाई बहुत पैसा है इसमें, टेंशन मतलब बहुत ही ज्यादा अर्निंग है, तब मेरे दिमाग में घुसी, और फिर मैं टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देखी, फिर एक वीडियो मैंने देखी धर्मेंद्र सर की, ठीक है। तो मैं अपने लाइफ में गुरुजी दो ही आदमियों को मानता हूँ, टेक्निकल गुरुजी और धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी की जो वीडियो थी, उन्होंने एक मतलब वो जो उनका नाम तो मेरे ध्यान नहीं है, अर्निंग माय स्मार्ट सपोर्ट जो चैनल है, माय स्मार्ट सपोर्ट उनका चैनल है, उन्होंने एक अपाहिज आदमी की वीडियो बनाई थी, वो बेड पे लेट के लाखों रुपए कमाते थे जी जी, जो फ्रीलांसिंग करते थे। उनका नाम क्या यार, ले देंगे अच्छा लगेगा, अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी की वीडियो चल रही थी वो, हाँ मतलब ये अपाहिज नहीं, कुछ और बताओ, कुछ और कहते हैं, हाँ वो दिव्यांग थे, मतलब उनका पैरालाइज्ड हो गया था, हाँ अभिषेक जी थे, पैरालाइज्ड हो गया था, तो मैं वीडियो देख रहा था, और धर्मेंद्र जी उनसे सवाल कर रहे थे, वो बेड पे लेट के लाखों रुपए 8 से 7 साल पहले कमा रहे थे, ठीक है जी 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 बिल्कुल, और उनको पैरालाइज्ड हो गया था। तो जब से मुझे चस्का लगा भाइयों, मैं आपको बताऊं, फिर धीरे 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 मैंने दिन रात एक कर दिया, और जो नौकरी है, नौकरी मैंने तब तक नहीं छोड़ी जब तक पहली अर्निंग यूट्यूब से आनी स्टार्ट नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, जो वीडियो देख रहा है, मेरा इतना पैसेंस था, पहली अर्निंग जब यूट्यूब का चैनल बनाया ना, उस टाइम भी नित्या जी उस टाइम इतना वो नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था जो आज है,
नहीं था, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। 6 महीने बाद में एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद तो धनाधन वीडियो वायरल होती चली गई, और उसके बाद पहली सैलरी मेरे आज भी ध्यान है 22,000 रुपए थी, और जब वो सैलरी मेरे अकाउंट में आई ना भाई साहब, तो चस्का ऐसा लगा, फिर मैं सब कुछ भूल गया, नौकरी भी छोड़ दी मैंने, अपने घर आ गया। घर आने के बाद में जिसको जिसको विकास जी, जिसको आज के डेट में यूट्यूब से पैसे कमाने का चस्का लग गया ना, उसके सामने ना ही नौकरी कुछ है, कुछ नहीं है, ना ही कोई बिजनेस कुछ है, कुछ नहीं, ना ही कोई कुछ भी, मतलब जिसने यूट्यूब से 2-3 साल पैसे कमा लिए, फिर उसके सामने सब कुछ उसे फीका लगने लगेगा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ऑडियंस में आपको बताना चाहता हूं कि 3 इंस्पिरेशन जो है यहां पे विकास जी से हमने ली जी। सबसे पहली चीज कि इंस्पिरेशन, मतलब इनको इंस्पिरेशन देखिए कहां से आई, और इंस्पिरेशन आई भी तो पहले इन्होंने उस चीज को समझा, पहले उस चीज को देखा कि क्या सच में इस तरीके से हो रहा है। बहुत लोगों को क्या देखा जाता है, YouTube पे आए बस तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया और पैसे तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि तुरंत आ जाए, महीने भर में ही आ जाए। नहीं करना चाहिए, YouTube में क्या है ना, पैसेंस बहुत जरूरी है। हाँ, और जब पैसे नहीं आए तो छोड़ दिए, और उसके बाद कहा कि YouTube ही बेकार है, YouTube पे मैंने वीडियो ही बनाई लेकिन पैसे नहीं। तो यहाँ पे 3 चीजें सीखने वाली है कि पहले इन्होंने इंस्पिरेशन लिया तब जो है इन्होंने काम करना शुरू किया, दूसरी चीज कि इन्होंने तब तक अपना पहला सोर्स ऑफ इनकम नहीं छोड़ा, जॉब नहीं छोड़ी जब तक इनका YouTube से अर्निंग नहीं स्टार्ट। बहुत लोग क्या करते हैं, बाद में नित्या जी जो हमारी चोला चल रहा है ना, वो नौकरी चल रहा था, अगर सब कुछ छोड़ के उन सब्सक्राइबरों के लिए, तो कैसे चलता है बताना चाहूंगा नित्या जी, ठीक है जी। उन आपके सब्सक्राइबरों के लिए, उन युवाओं के लिए जो ये बोल रहे हैं ना, मैं मतलब मैं स्टडी भी छोड़ देता हूँ, नौकरी भी छोड़ देता हूँ, YouTube ऐसा नहीं, नहीं करना छोड़ना चाहिए, ना ही स्टडी ना ही नौकरी, कुछ नहीं छोड़नी चाहिए। जब आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए YouTube से तभी छोड़िए जी। अच्छा, दूसरी बात ये है नित्या जी, मैं कहना चाहूंगा जी, कुछ लोग यूट्यूबर है ना, मतलब मिसगाइड करते हैं, नाम तो नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता, ये बोलते पार्ट टाइम। नित्या जी जीवन में यूट्यूब को छोड़ दो, जीवन में पार्ट टाइम कुछ नहीं होता, फोकस एक काम पे लगाओगे ना तभी सक्सेस होगे आप लोग। जिसने आपको कह दिया ना कि यूट्यूब को एज अ पार्ट टाइम आप कर लो, ठीक है, वो अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहा है, वो आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब को जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उससे आप 100% लोगे। आप क्या समझते हो, आप तो समझते हो, हम भी समझते, 18 घंटे काम करता हूँ मैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब 100%। और सर आपने देखिए, मैं सर आपका इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है सर कि देखिए आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैं 100 सब्सक्राइबर और 200 सब्सक्राइबर वालों को का भी इंटरव्यू लेता हूँ, और आपका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है, इतने दिनों से यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो आपका भी ले, तो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इंस्पिरेशन हर जगह से आनी चाहिए, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ उनको भी नहीं छोड़ना है जिनके 100-200 सब्सक्राइबर है, क्योंकि हमारे भी कभी 100-200 सब्सक्राइबर ही हुआ करते थे, बिल्कुल आज हम अपने लेवल पे हैं क्योंकि हमने वो मेहनत करी। और एक चीज जो आपने कही ना कि 6 महीने के बाद आपको अपना फर्स्ट पेमेंट दिया, इसे कहते हैं पेशेंस, आपने पेशेंस रखा, मेहनत किया, सब्र किया, तब आज आप मीठा फल खा रहे हो। और दोस्तों मैं आपको जी नित्या जी बताइए, जो आपके सब्सक्राइबर है ना उनको कहना चाहूंगा, डॉलर में पैसा ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये क्या है ना, डॉलर में पैसा कमाना तेल खेल नहीं बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, लेकिन आप अगर मेहनत करोगे इसमें आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा। अगले जैसे कि हमें आता है, एक दिन हम वीडियो ना बनाए ना नित्या जी, तो खुजली सी होने लगती है, भूख भी नहीं लगती यार, आज तो कंटेंट ही नहीं बनाया, तो ये धीरे धीरे आता है चीज जी। जी जी बिल्कुल सर, और आप एक खुद बहुत बड़े इंस्पिरेशन है हमारे ऑडियंस के लिए, इसीलिए सर मैंने सोचा कि आपका एक इंटरव्यू लेते हैं और ऑडियंस को इंस्पायर करते हैं। चलिए सर, अब एक चीज बात करते हैं कि आपके चैनल को सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और एक चीज सर मैं बात करना चाहूंगा, एक तो सर हमने जो आपका ये चैनल देखा विकास चौधरी के नाम से, दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका चैनल जो है हमने ओपन कर रखा है, विकास चौधरी के नाम से चैनल है, और 3,07,000 सब्सक्राइबर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 2018 से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 84 मिलियन व्यूज हैं, मतलब 84 मिलियन व्यूज हैं, 84 मिलियन लोगों ने देखा है, मतलब कि करोड़ों लोगों ने अभी तक इनको देख लिया है। तो सर ये तो हो गई इस चैनल की बात, और इसके अलावा सर आप कौन कौन से चैनल का मतलब चलाते हैं? सर जो जिस चैनल की हम बात कर रहे थे, ये तो आपने बताया ना 2018 का, तो नित्या जी इसका जो है ना मेरा मेल था जो अच्छा, मेल बना हुआ था, बल्कि ये जो चैनल है ना अच्छा, अभी 2 साल पहले से ही आया, और पिछले साल ही मतलब वायरल हुआ।
मतलब कि लगभग 2020 से मान के चले 2020 से मेल चला, मतलब मेल आईडी 2008 जी, मतलब 2018 की मेल आईडी है इसलिए 2018 दिखाया जा रहा है ना। जो दूसरा मेरा चैनल है वो है मेरा फेवरेट फार्मिंग करके, आप देख रहे हो ना ये अच्छा, ये एक फेवरेट ये जो मेरे पीछे अच्छा, आप देख सकते हैं ये अपनी मेहनत का फल है, ये पीछे अवार्ड रखे जी, हुए हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फेवरेट फार्मिंग में आपके लगभग 5,23,000 सब्सक्राइबर हैं। हाँ, 5,00,000 ये मेरा सबसे पुराना चैनल है, ठीक है जी जी बिल्कुल। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो चैनल हैं विकास सर के, यहाँ पे एक पे 5,23,000 सब्सक्राइबर है और एक पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 3,00,000 समथिंग सब्सक्राइबर है। इस पे भी आप देख सकते हैं कि 2015 की मेल आईडी है और इस पे सर आप कब से काम कर रहे हैं? इस पे 2017, ये मेरा सबसे पुराना चैनल है और ऐसा नहीं कि हमने गलती नहीं की, हमने भी गलती की है, हमने भी लोगों बिल्कुल सर बिल्कुल। आप एक एक्सपीरियंस यूट्यूबर हैं तभी एक यूट्यूबर के दर्द को समझ रहे हैं, और आपने जो भी चीजें बोली ना मैं सभी से एग्री करता हूँ और ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है हमारे आज अपकमिंग जो यंग जनरेशन है जो यूट्यूब पे आना चाहती है, वीडियोस बना के पैसे कमाना चाहिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। तो सर ये तो हो गए आपके दो चैनल, और कोई सर चैनल है आपका जो आप अभी रिसेंटली यूज कर रहे हैं? नहीं अभी तो दो ही चैनल है, अभी धीरे धीरे और भी क्या है ना मेरा देखो फंडा है सर जी, मैं तीन जी जी सर एक चैनल खोलता हूँ फिर ये दूसरा खोला फिर तीसरा खोलता हूँ, एक चैनल को मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ, 3 साल का टाइम लगता है ग्रो होने में, ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा हलवा है 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा, आजकल का कंपटीशन का दौर है, कुछ यूट्यूबर क्या कर कहते हैं ये बोलते हैं 5,000 के फोन से वीडियो बनाओ माइक भी नहीं, ऐसा नहीं होता, वो जमाने जब तक जियो नहीं आया था ना कंपटीशन नहीं था तब थे, अब तो मैं बोलना चाहूंगा आप कोई नित्या जी आप कोई बिजनेस करते हैं 5-10 लाख रुपए तो लगाओगे ना जी, बिल्कुल 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 सर, तो ये अगर क्वालिटी चाहिए तो करनी पड़ेगी, अगर आपको पैसा कमाना है यूट्यूब से तो शुरू से ही अच्छा फोन लो, क्वालिटी दो, माइक लो, मतलब शुरू से ही बन के चलो बेहतरीन, तब जाके आप कामयाब हो गए। वो जमाने चले गए मनोज, वो जमाने चले गए मनोज डे ये सीढ़ियों के नीचे वीडियो बनाता था, या विकास चौधरी एक पर्दा ग्रीन स्क्रीन लगा के वीडियो बनाता था, वो हमने सर खुद मेरा जो सर फर्स्ट ट्राइपोड था ना वो लकड़ी का ट्राइपोड था और उसमें मैं ऐसे मोबाइल एक सेल्फी स्टिक जो आती थी ना छोटी सी उसको ऐसे फंसा के और मैं एक कूलर का छोटा सा डब्बा रखा हुआ था जो कि मतलब कार्टून का डब्बा था उस पे रख के और पीछे पर्दा लगा के, हम वो दिन सर भूले नहीं है, करकट वाले रूम में नहीं भूल सकते सर। और क्या है ना यूट्यूब क्या है ना सब छोटे पहले क्या थे, कितने भी बड़ा यूट्यूबर हो सब पहले छोटे पौधे थे, बाद में बन के पेड़ हुए। ये बात अलग है कि यूट्यूब से 2-3 सालों में लोग तुरंत करोड़पति बन गए वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले उनके पॉकेट में फूटी कौड़ी तक नहीं होती थी, ये भी एक सच्चाई है। 85% जो है ना यूट्यूबर वो जीरो से स्टार्टिंग है उनके बड़ों की, करोड़पति यूट्यूबर कोई नहीं है जी बिल्कुल सर जी। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे सर का एक और चैनल है विकास के व्लॉग जिसपे लगभग 1200 सब्सक्राइबर है और इन्होंने जो है सो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया, तो ये भी सर एक बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहनी चाहिए, सक्सेस तो टाइम टू टाइम मिल ही जाएगी, तो ये चैनल हो जाएगा अभी 1-2 दिन में भी मोनेटाइज हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक चीज और बताइए, मैंने सुना है कि यूट्यूब से तो है ही और आप फेसबुक से भी काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी जरा ऑडियंस को बताइए ताकि उससे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब हमारा अंदाता है, माई बाप है, मैं माई बाप मानता हूँ यूट्यूब को, क्योंकि जी बिल्कुल जिस काम से हम मेरा और मेरे बच्चों का और पेट पलता है, पढ़ाई लिखाई होती है, तो वो माई बाप होता है। लेकिन बात करें अर्निंग की तो ये सीक्रेट है, और आज ही मैं सीक्रेट बता रहा हूं। कुछ लोग क्या है ना ये सोचते हैं यूट्यूब ही पैसा देता है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब से ज्यादा ये हकीकत है आज के टाइम में फेसबुक पर अर्निंग हो रही है, बिल्कुल हकीकत बात है, और उससे दुगना पैसा कमा रहे हैं लोग बाग फेसबुक पर। बताइए सर जी। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो लोग हम तो यूट्यूब पे ही देखते हैं कि यूट्यूब से ही पैसा कमाया जाता है यूट्यूब पे लगे, लेकिन सर बता रहे हैं कि फेसबुक पे यूट्यूब से भी ज्यादा पैसा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा है, एक एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा है जो कि लगभग जब से मैं यूट्यूब पे हूँ तब से सर भी यूट्यूब पे है और ये बता रहे हैं तो सच में होता ही होगा। तो सर अभी अगर बात करें कि फेसबुक और यूट्यूब दोनों को अगर सर बात करें तो सर मतलब एक इंस्पिरेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब कितनी अर्निंग लगभग हो जाती है मेरी जी सर। देखिए सर अर्निंग की अगर बात करें तो अभी 3 यूट्यूब पे क्या फेसबुक पे क्या है ना वीडियो वायरल जो होती है उसके डिपेंड अर्निंग बढ़ती घटती रहती है। अब मैं आपको बताऊं मैंने अभी 4 जब ये दिवाली का सीजन था 5,00,000 रुपए महीना भी अर्निंग आई है दोनों से,
ठीक है, दोनों से नहीं सर, मैं तीनों से कहूंगा, रील भी मोनेटाइज होती है, रील क्या है ना, हाँ, फेसबुक रील पर भी पैसा है जी, फेसबुक पे तो रील के भी पैसे मिलते हैं। हाँ, अगर टोटल की बात करूं तो मैं देखिए अपने उससे चोरी नहीं रखता, 7-8 लाख रुपए महीना भी कमाए हैं यूट्यूब फेसबुक से, और ये एड एड नहीं, मैं मतलब पूरे बता रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप भी तो मिलती है, उनसे भी तो लेते हैं 50-50 हजार। जी जी सर जी बिल्कुल जी। मतलब कि सर कुल मिला के बात करें तो यूट्यूब फेसबुक स्पॉन्सर सब मिला के 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं ऑनलाइन अर्निंग में, है ना। हाँ, समझ के आप बोल सकते, क्या है ना थोड़ा सा पैसे बताते हुए ना आदमी ये सोचता है यार अपने मुंह मियां मुंह मिट्ठू बन रहा है, तो थोड़ा सा नहीं नहीं सर। हाँ। ये तो एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए, जैसे आपने कैसे बोला कि मैंने टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देखी तो वहां से मुझे लगा कि मतलब जो है ना ये तो फेंक रहा है, ठीक है। हाँ, जी, तो जी, जी। आज जो लोगों को लगेगा ना, आज तो लगेगा नहीं क्योंकि आज तो यूट्यूब के बारे में बहुत लोग जान गए कि सच में करोड़पति लोग बने ना। मेरा गाँव इतना छोटा है, जैसे आते हैं ना गाँव के ताऊ बड़े बुजुर्ग, जी बिल्कुल, कितने पैसे कमा रहे हो, मैं बोला हो जाता है 50-60 यार, क्या झूठ बोलते हो, इतने तो अधिकारी को भी नहीं मिलते, सरकारी वाले को भी नहीं मिलते। तो बोला आपको क्या लगता है ताऊ जी कितना कमा रहा हूँ, बोला 15-20 हजार तो बन जाते होंगे। तो बोला आपने सही पकड़े मेरे, इतने ही बनते हैं। क्या सही बोलते हैं, क्योंकि सर एक कहावत कही गई है ना कि मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो जब तक आप बंदर बने रहेंगे तब तक आपको वो स्वाद नहीं आएगा, आपको उसके लिए इंसान बनना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, सोच को भी डेवलप करना पड़ेगा। आज लोग 15-20 हजार में ही पड़े हुए हैं कि अरे यार हमारी तो सरकारी नौकरी है तो 20-30 हजार ही कमाते हैं, और तुम कहां से यूट्यूब से लाखों कमाए लगे। पहले मुझे बोलते थे लोग गाड़ी में 1 लाख का तो पेट्रोल खर्च हो जाता है, आपको पता है हम बिहार तक भी चले जाते हैं, हमने सिवान वालों की वीडियो बनाई है, मतलब काफी दूर दूर तक हम चले जाते हैं। जी बिल्कुल सर, हमने देखा वीडियो में कि काफी मेहनत करते हो, बिना मेहनत के आजकल होता कहां है सर। अच्छा हमें क्या है ना, हमें मेहनत नहीं लगती क्योंकि हमें इस चीज की आदत पड़ चुकी है, हमें इसी चीज में मजा आने लगा है। जी बिल्कुल सर, जिस चीज को अब देखो सर, जिस चीज को हम आज करेंगे ना वो मुश्किल लगेगी, लेकिन जिस चीज को हम रोज करने लगेंगे ना वो चीजें फिर मुश्किल नहीं लगेगी, वो चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है। बसरते, तो बस अपने नित्या जी, आपको उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नित्या की कॉपी करके वीडियो बनाओ, विकास चौधरी का इतना बढ़िया चैनल चल रहा है। अच्छा सर, आप इंटरेस्ट से सर एक बात याद आया, जैसा आपने कहा कि मुझे 5,000 रुपए की मैं जॉब करता था और मुझे वाईफाई मिलता था तो लगता था कि मुझे हीरा मिल गया। हाँ। तो ये आपका इंटरेस्ट ही था, तभी तो उस चीज को आप लेते थे। तो कितने लोगों की वाईफाई मिल जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अरे यार वाईफाई है क्या ही करना है। तो बात सर, इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, अपना स्किल अपना टैलेंट एक बहुत बड़ी चीज है, और जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है, आज हमारी जो ऑडियंस देख रही है इनका कहीं ना कहीं ऑनलाइन पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तभी ये हमारी वीडियोस देख रहे हैं, है ना। तो बहुत ही मतलब सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक लगा कि हाँ एक यूट्यूबर से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे ना तो लगेगा कि हाँ भाई। देखो लोग बाग मुझे कहते हैं बड़ा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर, मैंने क्या है ना, मैं बिल्कुल, मुझे पुराने दिन याद आते हैं, जो भी मेरे घर पे यूट्यूबर आता है मैं उसको सारा चैनल 2 मिनट में खोल के देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे जो पर्सनल नंबर है ना वो भी मैं अपने सब्सक्राइबरों को दे देता हूँ। हाँ अगर टाइम होता है तो बात करते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि हम जमीन से उठे हुए लोग हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, और सर कहा गया है कि मतलब हम जिस काम से बढ़े हैं ना, जिस जिस चीजों को हमने देखा है, आज मैं नए यूट्यूबर्स को देखता हूं तो मुझे मेरे पुराने दिन ही याद आते हैं। और आपने सर कई वीडियो में भी देखा होगा कि मेरे से भी कोई मिलने आता है तो मैं उसे रिस्पेक्टफुली बुलाता हूं, अपने साथ में बैठा के, मैं ये नहीं देखता कि उसके 100 सब्सक्राइबर है कि 200 सब्सक्राइबर है, मुझसे जितना हो पाता है यहीं पे जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ यहीं पे बगल में बैठा के, मुझसे जितनी हो पाती है मदद उतनी में मदद करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, इसलिए करता हूँ सर क्योंकि हमें लगता है कि कल के डेट में हम भी तो यही थे, आज भले ही करोड़ों कमा लिया, बिल्डिंगें बना ली, जो भी कर ले, हम तो मदद करते हैं, उस टाइम तो कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं था, हमने खुद सीखा है सब कुछ। ये तो बात सही है सर, लेकिन खुद से जितना करने वाले जी जी लेकिन सर खुद से जितना हो उतना कर देना चाहिए, है ना। और मैं सर बहुत मैं बताना चाहूंगा नित्या जी, बहुत जल्द हम आपके मकान की वीडियो बनाने आएंगे, आपके संघर्ष की कहानी भी हम आइए वेलकम, हम आप अपने चैनल के माध्यम से आपके संघर्ष की भी कहानी बताएंगे कि कैसे एक फल बेचने वाले के लड़के ने यूट्यूब को फोड़ डाला, धमाका मचा दिया।
जी सर बिल्कुल। और ऑडियंस में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द विकास सर आएंगे हमारे, जो आपने YouTube से हमारा जो बंगला बना हुआ है वो सब आपने देखा ही हुआ है। हाँ, तो बहुत ही जल्द आएंगे और मिलेगा लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ, और बहुत ही जल्द इसकी पूरी वीडियो जो है आपको विकास चौधरी चैनल जो सर का है उस पर आपको मिलेगी, और बहुत ही इंस्पिरेशनल जो है जर्नी इनकी भी रही है और हमारी भी। और सर काफी आपकी बात रोक के मैं कह जाऊंगा, कुछ लोग मुझे कहते हैं विकास भाई आप किसानों के घर ही क्यों दिखाते हो, शहर वालों के क्यों नहीं दिखाते या मजदूरों के क्यों दिखाते हो, ठीक है। तो उन लोगों को कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा नित्यजी, एक बात नोट करने वाली है, जब किसान की कोई न्यूज चलती है ना आज तक या एबीपी न्यूज पर, हमेशा उसका झुर्रीदार चेहरा, फटे हुए कपड़े दिखाए जाते हैं। आप ये चीज आपने नोट की, सही बात है, किसान को कभी ये दिखाया ही नहीं जाता कि किसान कितने रौब से रहते हैं, कितनी उनके पास वो चीज है। किसान को हमेशा क्या है ना, गरीबी की नजर से दिखाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है सर कि किसान गरीब होते हैं, किसान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी आप दोस्तों अगर आपको देखना है कि किसान का क्या रौब होता है, तो आप विकास चौधरी चैनल पे जाइए और वहां देखिए कैसे कैसे किसान है जो बड़ी बड़ी कोठियां, अभी तो सर मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें 900 कुछ कमरे की हवेली थी एक किसान भाई की, और उनकी आप पड़े हुए हैं। हाँ, वो दिखा रहे थे, तो मतलब देख के लगता है कि नहीं भाई। और सर कहने का मतलब है कि वो चीजें लोगों को दिखानी चाहिए ना जो सामने नहीं है। आप कह रहे, लोग कह रहे हैं कि शहर की दिखाओ, शहर की तो जानते ही है लोग कि शहर बड़े बड़े बिल्डिंगों में फ्लैटों में रह रहे हैं, लेकिन गांव में जो लोग रह रहे हैं, जिनको किसान को गरीब के नजर से, फटे कपड़े के नजर से देखा जा रहा है, उस मेंटेलिटी को चेंज करना है ना, तो उसके लिए आपका चैनल बहुत कारीगर है सर। अच्छा, अब मैं आप बात करूं जी भाई, जो आपके सब्सक्राइबर देख रहे हैं, व्यूअर देख रहे हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ ये बोलते हैं भाई हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है भाई, ग्रो कैसे होगा, आप क्या वैल्यू दे रहे हो देखने वाले को। अब जैसे हमारा चैनल है, आपका चैनल है, आप सिखाते हो पैसे कैसे कमाए, मेरा चैनल है, आप देखना कभी, अगर आपको अच्छा लगे तो देखना। नित्या जी, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो यार, वो कर लेना अपने साथ, आप कभी मेरा चैनल देखना। हम किसानों के मकानों की वीडियो तो बनाते ही हैं, कितनी वैल्यू में अपने चैनल में देता हूं, ऐसे नहीं वायरल है। सबसे पहली बात, सही बात, जो हम वीडियो बनाते हैं मकानों की, सबसे पहले हमारी वीडियो देख रहे हैं, 30-30 मिनट तक वीडियो देखते हैं लोग बाग रजाई के अंदर मुंह डाल के। कारण क्या है, ये हमने किसी कोठी का वीडियो बनाई है, बंगले की वीडियो, उनको नक्शा मिल गया, पहली बात, कितना खर्चा आया वो पता लग गया, किसान भाई अगर वीडियो बनाना चाहते हैं उसको पता लग गया इतना पैसा लगेगा या अगर ऐसा बनाएगा। दूसरी बात, हम वास्तु के ऊपर भी बात करते हैं भाई, ये मकान गलत मत बनाना, नहीं तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी ऐसी वीडियो मिलेगी आपको। तीसरी बात, सही बात है, हम वास्तु पूरा घर दिखा देते हैं, रसोई तक भी दिखा देते हैं, किसानों के बर्तन तक दिखा देते हैं, उनका गोत भी पूछ लेते हैं, जात भी पूछ लेते हैं, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं वो भी पूछ लेते हैं। अब किसी को शादी करनी है, उसका लड़का कुआ रहा है, तो विकास भाई ने वीडियो बना दी, सीधा बाइक उठा के या कार उठा के उसके घर जाएगा, दिखा तो विकास ने दिया ना, उसका टाइम बचा दिया ना। सही बात, तो वैल्यू दे, अगर आप YouTube वैल्यू दे रहे हैं। और सर सबसे बड़ी चीज है ना कि आपके वीडियो में यूनिकनेस है, जो चीजें जैसे आपने कही कि हमने घर दिखा दिया, बर्तन दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, किसी को साथ दिया, तो ये सर यूनिक चीज है ना। अब ये चीजें आप दिखा रहे हैं तभी तो लोग देख रहे हैं ना। अब जैसे मैं बताता हूँ YouTube के बारे में, तो YouTube के बारे में तो भाई बहुत लोग बता रहे हैं, तो क्यों नहीं सब लोग जाके ऑडियंस उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ वो चीजें बताते हैं ना जो एक्चुअल में कारीगर है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने इतना कीमती समय अपना दिया हमारे ऑडियंस के लिए, इसके लिए आपका बहुत जी नहीं है, बहुत, आपका बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बार जरूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर के चैनल का, विकास चौधरी। बहुत आपको मतलब बढ़िया बढ़िया जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बेस्ट वीडियो मिलेंगे, और मुझे पता है कि ज्यादातर हमारी ऑडियंस गांव, कस्बे या छोटे शहर, गरीब फैमिली से ही बिलोंग करती है जो लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।